दोस्तों आपका स्वागत है गैजेट बेज हिंदी में, मेरा नाम है सुलभ। आज एक ऐसी अनबॉक्सिंग करने वाले, थोड़ी लेट है पर फिर भी ये अच्छी अनबॉक्सिंग होने वाली है। हम बात करने वाले हैं Xiaomi के Redmi Note 9 Pro Max की। लंबा नाम है, थोड़ी लेट हो रही है अनबॉक्सिंग, पर सारी चीज़ें देखेंगे, सारी खूबियों के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। देखेंगे इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है हमारे को, गेमिंग टेस्ट और कैमरा टेस्ट भी इसी वीडियो के अंदर, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। पर हाँ, उससे पहले दबाइए वो सब्सक्राइब का बटन और साथ ही में दबाइए वो बेल आइकन भी। आइए चलिए देखते हैं। क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए ये स्मार्टफोन कोरिया कंपनी के पास अटका हुआ था। अब फाइनली लॉकडाउन धीरे धीरे करके लिफ्ट हो रहा है, थोड़ी ईजमेंट आ गई है, तो Redmi Note 9 Pro Max हमारे पास आ चुका है। इसके बॉक्स पे इसका डिज़ाइन दिया हुआ है, दोनों तरफ Redmi की ब्रांडिंग है, पीछे थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, जैसे स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट आपको यहाँ पे मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के दौरान, तो हमारे साथ बने रहिए। नीचे प्राइस भी दिया हुआ है, ऑन द बॉक्स प्राइस 2999 है। एक्चुअल प्राइस मैं आपको इसके वीडियो के एंड बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में हमारे को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहली लेयर में देखते हैं हमारे को क्या मिल रहा है। यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है, थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल भी देखने को मिल रहा है, Redmi का यूज़र गाइड है। इसी के साथ है इसके अंदर एक हल्का सा ग्रे टेंट वाला केस भी। यहाँ पर Xiaomi ने क्लियर केस नहीं दिया है एक्चुअल मतलब, पर एक ब्लैकिश टेंट वाला केस देखने को मिल रहा है, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल क्लियर केसेस दैट यू गेट। अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है पर काम कर जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है Xiaomi का स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro Max। ब्लूइश कलर में है, सिल्वरिश टिंट है, इसके बारे में और बात करेंगे। स्टार्ट करके अभी लेकर आता हूँ मैं 2 मिनट में, तब तक देखते हैं हमारे को इसके बॉक्स में और क्या चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है इसका पावर चार्जर, काफ़ी बड़ी चार्जिंग ब्रिक है तो अच्छी तरह क्विक चार्ज कर देगा आपके स्मार्टफोन को। और आखिरी चीज जो है वो है इसकी USB टाइप सी चार्जिंग केबल। इन द बॉक्स आपको पेयर ऑफ ईयरफोन्स नहीं मिलते। तो देखा जाए ये सारी चीजें आपको मिल रही है Xiaomi के बॉक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डिजाइन एस्पेक्ट्स की। तो दोस्तों ये तो होगी अनबॉक्सिंग Redmi Note 9 Pro Max की, आपने देखा इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। अब बारी है इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट्स की और साथ ही में बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की भी। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हो, स्टार्ट हो गया है Redmi Note 9 Pro Max। स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट से। सामने आपको एक बड़ी टच स्क्रीन देखने को मिल रही है, नीचे थोड़ा सा चिन एरिया है पर साइड बिजेल्स एकदम कम कर दिए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको एक कटआउट में कैमरा भी देखने को मिलेगा, नॉच बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए जो ईयरपीस स्पीकर है बड़ा करके ऊपर की तरफ मूव कर दिया गया है। राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल रहा है वॉल्यूम रॉकर की और एक पावर बटन जो एक इंडेंट के अंदर दिया हुआ है, और जो पावर बटन है वही डबल अप करता है एज योर फिंगरप्रिंट रीडर भी। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर आपको इस स्मार्टफोन में मिलता है। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो प्लेन है, एक्सेप्ट यहाँ पर एक ट्रिपल स्लॉट दिया हुआ है जिसमें आप 2 सिम कार्ड्स और एक माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं। बॉटम पे आपको एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट मिल रहा है, USB टाइप सी चार्जिंग है, प्राइमरी माइक्रोफोन है और एक लाउड स्पीकर ग्रिल भी यहाँ पर दी गई है। टॉप पे यहाँ पर एक IR एमिटर है, Redmi ने इस स्मार्टफोन में भी एक IR एमिटर डाला है, काफ़ी पॉपुलर है वो इस सेगमेंट में। साथ ही में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी है टॉप पे। बैक की बात की जाए तो यहाँ पर एक आपको एक ब्यूटीफुल बैक पैनल देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, और एक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया कैमरा मॉड्यूल है, जो कैमरा बम्प है वो एक डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है, हल्का सा बाहर है, यूजुअल जो मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा है पर अच्छा है। 4 कैमराज हैं यहाँ पर, LED फ्लैश भी है और Redmi की ब्रांडिंग यहीं पर नीचे दी गई है।
तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। स्टार्ट करते हैं इसकी स्क्रीन के साथ। यहाँ पर आपको मिल रही है 6.67 इंचेस की FHD प्लस डिस्प्ले, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 पहले से ही लगा हुआ है। पीछे की तरफ भी आपको सेम ग्लास देखने को मिलता है। जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो है 450 निट्स। इनसाइड्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल रहा है क्वालकॉम का 720G प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसमें दो कोर्स 2.3 GHz पे काम करते हैं, बाकी 6 कोर्स 1.8 GHz पे काम करते हैं। जो GPU है यहाँ पर वो है Adreno 618। ग्राफिक्स डिसेंट है, गेमिंग टेस्ट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब इसकी रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल रही है 6 और 8 GB रैम की ऑप्शंस, और साथ ही में आपको मिलती है 128 GB की स्टोरेज भी, जो एक्सपेंडेबल है। अब रुक करते हैं इसके कैमरास की तरफ। तो पीछे की तरफ आपको 4 कैमरास देखने को मिलेंगे। पहला जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64 MP का, उसके बाद 8 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, फिर है 5 MP का जो मैक्रो लेंस है, और डेप्थ के लिए 2 MP का सेंसर लगाया हुआ है Xiaomi ने इस स्मार्टफोन के अंदर। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K पे भी कर सकते हैं एट 30 FPS। आगे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है 32 MP का वाइड एंगल कैमरा। यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, पर हाँ फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं एट 30 FPS। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्मार्टफोन में लगाया हुआ है वो है एंड्रॉयड 10, जो MIUI 11 पे आ रहा है, पर हाँ इस पे MIUI 12 भी आने वाला है। तो ब्लोटवेयर थोड़ा बहुत मेरे को देखने को मिल रहा है, पर लकीली ये सारी जो एक्स्ट्रा एप्स हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max के अंदर 5020 mAh की एक मैसिव बैटरी भी आपको मिलती है, जो 33 W के फास्ट चार्जर से, जो इन द बॉक्स आपको मिलता है, उसके साथ फास्ट चार्ज की जा सकती है। अब प्राइस की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन स्टार्ट होता है 16,499 रुपीज़ से। जो निचला मॉडल है वो यहाँ पर आपको स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है वो सब्सक्राइब का बटन, तो सबसे पहले दबाइए उसे, और उसके बाद दबाइए वो बेल आइकन भी, इससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की और कैमरा टेस्ट भी। तो दोस्तों अब बारी है Redmi Note 9 Pro Max के गेमिंग टेस्ट की। हमने लगा दी है इसके अंदर Asphalt 9 और एक दो लैप्स खेल के देखते हैं ये गेम कैसी चलती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे अभी हम इसको चला रहे हैं, तो आइए प्ले करके देखते हैं। तो ग्राफिक्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है,
डिसेंट चल रही है। ऑफ कोर्स 865 जो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट है उसके जैसी परफॉर्मेंस नहीं है, पर हाँ एक मिड रेंजर के लिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अब बारी है Redmi Note 9 Pro Max के कैमरा टेस्ट की। काफ़ी सारे मोड्स हैं यहाँ पर, शॉर्ट वीडियो मोड भी है, स्लो मोशन मोड भी है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है और 64 मेगापिक्सल का एक स्पेशल मोड दिया गया है जिसमें हम यहाँ पर एक आपको फोटो क्लिक करके दिखाते हैं अंडर गुड लाइटिंग कंडीशंस इंडोर्स। तो कैसी लगी आपको ये फोटो हमारे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ हर वीडियो के जैसे ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो दबाइए वो सब्सक्राइब का बटन और उसके बाद दबाइए वो बेल आइकन। नीचे कमेंट्स में हमारे को बताना ना भूलिएगा क्या अच्छा लगा आपको इस फोन के बारे में। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं गैजेट ब्रिज हिंदी। मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।